और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, एक तरफ मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, वहां पर भी नीट को लेकर जोरदार हंगामा देखा गया। दूसरी तरफ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कुछ बड़ी बातें कही जा रही हैं आपके समक्ष इस वक्त रखूंगी मैं। आपको बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और फिलहाल परीक्षा शुरू होने से काफी पहले पेपर लीक हो चुका था। ये बड़ी बातें इस वक्त सामने आ रही हैं। केंद्र द्वारा कहा गया पिछले साल की तुलना में कोई असामान्यता नहीं है, तो ये बड़ी खबर। इस बीच आपको बता दें, खासतौर पर सीजीआई द्वारा कई अहम बातें इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान कही गई। हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि परीक्षा दोबारा हो या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस पर सुप्रीम मुहर लगाएगा। और ये बड़ी बातें सामने आई हैं कि परीक्षा शुरू होने से काफी पहले जो पेपर है वो लीक हो चुका था। तो ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सदन के भीतर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए। देयर इज नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक इन लास्ट 7 इयर्स इन एनी नंबर्स। सो देयर आर इंसिडेंट्स ऑलरेडी दिस केस राइट नाउ स्पीकर सर दिस केस is going in front of honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench. And with full responsibility, I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted. तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा सदन के भीतर ये बातें कही गई। उधर सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें, इसी पर इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। तो बहरहाल रीटेस्ट होगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला लिया जाएगा। और इस बड़ी खबर से आगे बढ़ेंगे।